टुडे आवर लेसन इज दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे कि दिल्ली में जो अलग-अलग डायनेस्टीज आई ना, जिनका साम्राज्य था जो अलग-अलग चला, वो है दिल्ली सल्तनत सेट द स्टेज फॉर एन इंटरेस्टिंग फेस इन द हिस्ट्री कॉल्ड द लेटर मेडिवियल पीरियड। ये लेटर मेडिवियल पीरियड की बात हो रही है दिल्ली के बारे में। फाइव डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, पांच डायनेस्टीज आई इंडिया दिल्ली में, स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। और ये सारी इंटरेस्टिंग है। और देखो ये लास्ट में जो टेबल है ना, कौन से राजा ने कितने टाइम, ठीक है, वो राज किया, वो सारा दे रखा है सबका। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट कम्स टू द फोर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली इन द लास्ट मेडिवियल पीरियड। दिस पीरियड इज कॉमनली नोन एज मेडिवियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कहता जो दिल्ली था वो इम्पोर्टेंट सिटी थी मेडिवियल, लास्ट मेडिवियल पीरियड की। इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इस पूरे पीरियड का नाम जो दिल्ली का हुआ उसे मेडिवियल पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। सोर्सेस फॉर द सल्तनत पीरियड। अब दिल्ली का ये जो सल्तनत पीरियड है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? देयर इज नो डर्थ ऑफ सोर्सेस फॉर द दिल्ली सल्तनत। कहता ऐसे कोई मेजर वो सोर्सेस नहीं है, इंस्क्रिप्शन कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल के ऐसे कोई सोर्सेस नहीं है। द तुर्को अरब ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स मेड कोर्ट क्रॉनिकल्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो क्या है? तुर्को अरब ट्रेडिशन था, उनमें क्या था, वो डेट वाइज क्रॉनिकल मतलब टाइम लाइन मेंटेन करते थे अपना। ठीक है, तो उसी से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैज बीन प्रोवाइडेड। अब ये कोर्ट में जो राजा के कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये वही थे, अब वो हमें पूरी डिटेल देते हैं। कौन कौन से राजा हैं ये आपको नाम लिखा हुआ है, सिराजुद्दीन बरानी, शाम्स ए सिराज, आफिफ मिराज ए सिरा, अबन बतूता, मार्क पोलो। हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये वो लोग थे जो इस पीरियड में, मेडिवियल पीरियड में गए थे राजाओं के कोर्ट में, और इन्होंने ही इसके बारे में कैसे कोर्ट में काम होता था सब कुछ ये लिखा, और यही हमारे पास इंफॉर्मेशन। देयर ट्रेवलॉग प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब वो भी कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की उसके बारे में भी लिखा था इन लोगों ने, तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। पार्सियन रिकॉर्ड ऑफ दिस एज वॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वैल्यूएबल्स आर द हिस्टोरीज, तारीख, और रूरल क्या है, तारीख, विच आर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रिटन इन पार्सियन। अब कहते हैं कुछ पार्सियन रिकॉर्ड भी हैं, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा मतलब क्या है कि दिल्ली के सोर्सेज, दिल्ली के हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन कॉइन और मॉन्यूमेंट से, और ये जो लोग हैं जो आए थे आपके, ये जो बोर्ड में लिखे हैं, इन लोगों ने अलग अलग राजाओं के कोर्ट को विजिट किया तो उनकी डेट्स के साथ ये इंफॉर्मेशन है, और वो कहाँ कहाँ गए ये भी इंफॉर्मेशन उन्होंने रिकॉर्ड की, और पारसियन लोगों के भी रिकॉर्ड है पारसी लैंग्वेज। ठीक है, ये सारा हमारे पास दिल्ली की इंफॉर्मेशन यहाँ से आई। पहली आपकी स्लेव डायनेस्टी, द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड स्लेव। नाम से ही पता चल रहा है स्लेव, स्लेव मतलब होते गुलाम, और मामलुक सुल्तान। मामलुक का अरेबिक मीन्स है ओन्ड यानी लिया हुआ। द अर्ली सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी वर स्लेव्स। जो शुरू शुरू के सुल्तान थे ना इस डायनेस्टी के, वो गुलाम थे, बट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड हार्डवर्क दे रोज टू पावर एंड पोजिशन। लेकिन अपनी हार्डवर्क और समझदारी, इंटेलिजेंस की वजह से वो पावर में आ गए। मैनी सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वर हाईली एजुकेटेड। बहुत सारे सुल्तान जो थे इस डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के, पढ़े लिखे थे, एक्सपर्ट इन वॉर टैक्टिक्स, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है इसमें वो बहुत एक्सपर्ट्स थे। दे वर ऑल्सो वेल अवेयर अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, कंट्रोल ऑफ आर्मी एंड कोर्ट पॉलिसीज एज वेल। तो उनको
वॉर की स्ट्रेटजीज, आर्मीज को कैसे कंट्रोल करना है, और कोर्ट में जो पॉलिटिक्स है, इन सब को वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो अब जो हम पढ़ेंगे, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक राज किया। अब देखो, मोहम्मद गौरी हैज लेफ्ट हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक इन चार्ज ऑफ टेरिटरी ही हैज कैप्चर्ड इन इंडिया। तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी कौन था। अब मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया पे कब्जा कर लिया, मतलब इंडिया पे जब उसने आक्रमण किया, यहाँ पे उसका वो कंट्रोल हो गया, तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को, जो इंडिया में हिस्सा उसने जीता था, उसका उसने इंचार्ज बना दिया। बट एज डेस्टाइंड मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड ऑन हिज वे बैक। लेकिन जैसे ही वो घर रास्ते में जा रहा था ना, रास्ते में अपने कंट्री वापस जा रहा था, तो उसको मार दिया। एज अ रिजल्ट कुतुबुद्दीन जो गौर हु वॉज द गौरीज वायसराय एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल। अब वो जो गौरी का वायसराय था इंडिया में, उसको वायसराय के रूप में ही छोड़ के गया था ना वो इंडिया में। अब उसने अपना, जहां पे मोहम्मद गौरी ने जीता था इंडिया का जो पार्ट, वहां का उसने खुद को राजा घोषित कर दिया। एंड मार्च इन टू दिल्ली, अब दिल्ली की तरफ मुड़ा, दिल्ली को जीतने की तरफ। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड, जीत लिया उसने दिल्ली को। एंड द फेमस किला राय पिथौरा विच वॉज अ ब्यूटिफुल फोर्ट बिकम द न्यू सुल्तान हाउस। और जब उसने दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया, तो जो किला राय पिथौरा था, उसको उसने अपना घर बना लिया, मतलब वो वहां रहने लगा इस किले में। विद दिस कुतुबुद्दीन बिकेम द फाउंडर ऑफ स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। तो इसी इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐनक जो है स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा बन गया, और वो इसका फाउंडर बन गया। एंड दिस न्यू किंगडम इज डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज दिल्ली सल्तनत, और इसी को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड हार्टेड, बहुत काइंड था वो। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स। क्या टाइटल दिया उसे, कि ये लाखों लोग, लाखों तो ऐसे ही बांट देता है, यानी बहुत ज्यादा दानी था। ही रिसीव्ड दिस टाइटल बिकॉज ही गेव अ लॉट ऑफ वेल्थ इन चैरिटी, क्योंकि अपने उसने बहुत सारा खजाना जो था चैरिटी के रूप में लोगों को दिया था। कुतुबुद्दीन वॉज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश, यानी कुतुबुद्दीन के बाद जो राजा बना वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा उसे मुसीबतें आईं, बट डेल्ट विद देम स्ट्रॉन्गली, लेकिन उसने मजबूती से उसका सामना किया। ही क्रश्ड रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह जो होने लगे, उसने उसको दबा दिया। प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेंथन द बाउंड्रीज, जो अपनी बाउंड्रीज हैं उनकी रक्षा की। एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसोलिडेट सुल्तान, और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और कंसोलिडेट सुल्तान बनाया, कि मतलब कोई उसे आसानी से हिला नहीं सकता वहां से, उसकी गद्दी से। ही सेंट एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द रिबेल राजपूत एक ग्वालियर, रणथंबोर, बयाना एंड जैलोर राजपूत, रूलर्स ऑफ उज्जैन एंड रणथंबोर वर डिफीटेड बाय हिम। ही ऑल्सो रिकवर्ड ग्वालियर एंड बयाना फ्रॉम देम। तो इसने जो है राजपूतों से भी लड़ाई की, ठीक है, और उनको लड़ाया, हराया सॉरी, और इसने उज्जैन और रणथंबोर जीत लिया, और वापस अपना ग्वालियर और बयाना भी इसने वापस उनसे ले लिया।